पूरे ही देश अते दुनिया दे विच बड़ी ही धूमधाम दे नाल तां तां बाबा दीप सिंह जी का जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा। तो उत्थे ही अज लंगर लगाया गया। तो पहला असीं तुहानूं तस्वीर अमृतसर के एक नंबर चौंक दियां दिखा रहे हैं, जिथे कि तुसीं देख सकते हो कि अज जिहड़ा लंगर आ उह लगाया गया। तो पिछले कई दिनों तो वख-वख अमृतसर के इलाकों के विच नगर कीर्तन भी कढ़िया जा रहा, तो अज लंगर लगाया गया। तो वह तस्वीर असीं तुहानूं दिखा रहे हैं, तुसीं देख सकते हो कि नौजवानों के वलों दुध ते नाल जिहड़ा पेस्टियां का लंगर इत्थे लगाया गया। तो वह तस्वीर असीं तुहानूं एक नंबर चौंक तो सांझियां कर रहे हैं, क्योंकि बाबा जी का जन्म दिहाड़ा काफ़ी वड्डा जन्म दिहाड़ा है, तो हर कोई वख-वख तरीके दे नाल लंगर लगा रहा है। तो अज भी एक नंबर चौंक दे विच लंगर लगा होया, तो उस दीयां तस्वीरां असीं तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं। तो नाल नाल असीं तुहानूं तस्वीरां भी दिखा रहे हैं, तुसीं देख सकते हो कि पेस्टियां ते दुध दा लंगर जिहड़ा अज इत्थे लगाया गया। तो वह तस्वीरां सांझियां कर रहे हैं, तो वड्डी गिणती दे विच नौजवान इत्थे इकट्ठे होए ने, तां लगातार जिहड़ा कि वख-वख तरीके दे नाल पूरे ही देश ते दुनिया दे विच लंगर भी लगाए जा रहे ने। तो नाल नाल जिहड़ा नगर कीर्तन आ उह भी कढ़िया जा रहा। तो लगातार असीं तुहाडे नाल पिछले कई दिनों तो तस्वीर सांझियां कर रहे हैं। तां इस वेले असीं गलबात भी जारी रखांगे। तो की कहना चाहते हो जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी जन्म दिहाड़े ते तुहाडे वल्लों लंगर लगाया गया जिहड़ा इत्थे? इह बाबा दीप सिंह जी दी कृपा दे नाल सारे भरा इकट्ठे होए आ, ते महाराज दी खुली बख्शे दा ते लंगर लाए आ। वेखो तुहाडे सामने महाराज चरणा दे विच अरदास बेनतियां वा कि महाराज चढ़दियां कला रखे, उस तो अगे आपां होर वधिया इस तो मारे कृपा करके वधिया लंगर लावांगे। तां की कहना चाहते हो, थोड़े दिन तक पाऊवेंट साहब का मेला भी आ रहा जी, आपां इहो सारी संगत नूं बेनती करना चाहुंदे हां कि सारे होमां मां आ के आपां पहुंचीए पाऊवेंट साहब ते अपने बाबा जी दीआं खुशियां प्राप्त करिए, उत्थे जा के पाऊवेंट साहब आपां सारे इकट्ठे हो गए। तां तुसीं देखिआ कि इहनां दे वल्लों कहा जा रहा है कि बाबा दीप सिंह जी दे जन्म दिहाड़े नूं जिहड़ा पाऊवेंट साहब नगर कीर्तन जाणा, तां उस दे विच वी संगतां हुम हुमा के पहुंचण, तां लगातार गलबात जारी रखांगे। तां की कहना चाहुंदे हो जी, जिहड़ा इत्थे लंगर लगाया गया अज? इह लंगर बस महाराज दे वल्लों ही कृपा होई आ, ਉਹ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਜਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਵਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ? ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਰੱਖੋ, ਭਲਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਆਉਣ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ।